ताजा मामला जनपद तरिया सुजान थाना क्षेत्र के तमक्रूही राज का है, जहां पानी की टंकी को लेकर डबल मर्डर का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। पीड़ित तमक्रूही तहसील में पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ महीनों पहले उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते पीड़िता की मांग है कि शासन के द्वारा जो मेरे परिवार को नौकरी और आर्थिक मदद देने को कहा गया था, वो अभी तक नहीं मिला है और मेरे परिवार इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा 50,000 की मांग की गई थी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग पर पीड़ित अड़ा हुआ है। इसको लेकर क्षेत्र अधिकारी, उप जिला अधिकारी और तीन थानों की फोर्स ने पीड़ित को समझाया। गाँव का ही मामला है ये, क्या इसके बहुत पहले, लगभग 2-3 महीने पहले इसके माता पिता की हत्या हो गई, जघन्य हत्या हुआ। जो एक दिन पहले हत्यारा थाने में उनके द्वारा, जो लड़के के पिताजी हैं बुधन, उनके द्वारा कंप्लेन किया गया था कि मेरे हत्या के लिए घूम रहा है, हत्या कर देगा, इनके द्वारा कंप्लेन किया गया, थाने में पकड़ के बैठाया गया था। उसके बाद से दूसरे दिन उस हत्यारे को सिंपली शराब का मैटर दिखला के 151 में चलान कर दिया गया और चलान में आके यहाँ फिर जमानत हो गई। उसी दिन फिर उनकी हत्या, दोनों माता पिता की जघन्य हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ये लड़का नहीं था, बाहर से आया, बाहर से उस दिन भी धरने पे रखा था लास्ट लाज ले जाके, और उसने इसने मांग किया था उसमें SDM साहब के द्वारा और उसमें जो भी लोग अधिकारी थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि लड़के को नौकरी देंगे और शासन स्तर से भी कृषक दुर्घटना बीमा का 5 लाख रुपए दिलवाएंगे और शासन से भी पैसा दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक उस 1 रुपया भी कहीं से शासन से स्तर से, चाहे कृषक दुर्घटना बीमा हो या सरकार के द्वारा हो, इसको बहुत गरीब परिवार है, 1 रुपये का भी कहीं कोई सहायता नहीं दी गई अभी तक इसके लिए। एक बार कुछ दिन, कुछ लगभग 1-1.5 महीना पहले फिर इसी तहसील में चढ़ा था, जिसके द्वारा फिर प्रशासनिक लोगों के द्वारा कहा गया था कि नहीं, लिख के भेजा भी गया है SDM साहब के द्वारा, ऐसे लिख के भेजा गया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। जैसे नहीं, अभी तो परिजन कह रहे हैं कि जो मांग कहा गया था उसको ये लोग पूरा नहीं किए हैं। तो ये झूठा आरोप कैसे है, तो सच आरोप है जी, तो क्या कहेंगे आप इस पर? हमारा ये कहना है कि सरकार को जो वादा करना चाहिए उसको पूरा करना चाहिए। 4 महीना पहले बुधन राजभर और उनके पत्नी की हत्या हुई, सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाएगा और उनके बच्चों को नौकरी दिया जाएगा। सरकार के प्रतिनिधियों ने कह दिया और लोगों ने मान लिया, और आज तक जो सरकार के लोगों ने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है, इसलिए नौजवान, इनके परिजन बता रहे हैं कि वो टंकी पर चढ़ा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो टंकी पर से उतरे, और कोई भी लड़ाई नीचे रह करके होगी, इस तरह से लड़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कहे उसको पूरा करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि वो किसान भी थे, और जो किसान मरता है अचानक, एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, हत्या हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो किसान के जो लिए जो एक व्यवस्था है कि 5 लाख रुपए का हेतु सहायता दिया जाएगा, वो भी सहायता आज तक इस परिवार को नहीं मिल पाया है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पूरे तरीके से लोगों के साथ छल कर रही है और सरकार के लोग छल कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज इस तरह से माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हम लोग सवेरे से परेशान हैं, एक परिवार के जो 2 वारिस हैं दोनों टंकी पे चढ़े हुए हैं, हम लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि नीचे उतरें और अधिकारियों से बात करके और उनको जो उनका अधिकार है, जो हक है, उनको दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसीलिए हम लोग आए हैं कि वो सकुशल नीचे उतर जाए और उसको जो सरकार के लोगों ने कहा है उसको सरकार के लोग पूरा कर। थाना मैगलगंज के गाँव खकरा क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ट्रैक के पास एक लड़के और लड़की का शव होने की सूचना थाना मैगलगंज में प्राप्त हुई। इस पर तुरंत पुलिस के द्वारा मौके पर पहुँचा गया तो पाया गया कि एक लड़के और लड़की की लाश वहां पर है, जिसकी बाद में शिनाख्त पवन और रेखा निवासी ग्राम कचूरा थाना मोहली सीतापुर के रूप में हुई। मौके पर परिवारी जन भी सूचना प्राप्त होने पर पहुँच गए। उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में दोनों के घर से चले जाने के बारे में एक अभियोग धारा 363, 366, 506 थाना मोहली पे पंजीकृत है। मौके पे फॉरेंसिक टीम के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो अब तक की गई जांच से और साक्ष्य संकलन से यह प्रतीत होता है कि दोनों लड़की और लड़का एक दूसरे से प्रेम करते थे और तमंचे के साथ लड़की और लड़के ने आत्महत्या की है। शव को नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है।
100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।